विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी के 15 नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इन नामों की सूची AICC को भेजेंगे, जहां से औपचारिक ऐलान किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 5 सीटों पर 2 नामों का ऐलान तय किया है, वहीं 7 सीटों पर 2 से 3 नाम के सुझाव अभी आए हैं। पार्टी जल्द ही अब पहली सूची के 15 नामों का ऐलान कर देगी। बताया जा रहा है कि कई सीटों पर जातीय समीकरणों की वजह से नाम तय करने में मुश्किलें आ रही हैं। सभी नाम तय होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यह सूची AICC को भेजेंगे। AICC से ही मध्य प्रदेश उपचुनाव के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। इन सीटों पर नाम तय है भांडेर फूल सिंह बरैया, गोहद से राम नारायण सिंह, अम्बाह से सत्य प्रकाश सखवार, मेहगांव से राकेश सिंह चतुर्वेदी, मुरैना से राकेश मावई, दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर से सुनील शर्मा, जौरा से भानु प्रताप सिंह, आगरा से विपिन वानखेड़ा, बमोरी से KL अग्रवाल, पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला, सामर से प्रेमचंद गुड्डू, सुवासरा से राकेश पाटीदार, खाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल, बदनावर से राजेश अग्रवाल। इन सीटों पर 2 से 3 नाम हैं। करेरा से प्रागीलाल जाटव और शकुंतला खटीक, सुमावली से अजब सिंह कुशवाह और बलवीर सिंह दंडोतिया, सांची से संदीप मालवीय, मदनलाल चौधरी, मुंगावली से प्रद्युम्न सिंह दांगी, विजय सिंह, डबरा से सत्य प्रकाशी परसेडिया, वृंदावन कोरी, कमल सिंह राजे, सुर्खी से अरुणोदय चौबे, नरेश जैन। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की पहली सूची में जातीय समीकरणों के उलझन के मामले पर बीजेपी नेता और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस में नेता ही नहीं बचे हैं, जो नेता बचे हैं उनकी जाति का पता नहीं है। बता दें कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही अब प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत और तेज होना तय है। जानकारी सूत्र एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस पे NI न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।